बट होते हैं इश्यूज भी होते हैं फेसबुक पे. तो एक बहुत बड़ा इश्यू जो है ना फेसबुक का, वो ये है कि जब से फेसबुक आया है ना, लाइफ एंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया. राइट right? लाइफ एंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि तुम फेसबुक पे जाओ लगता है यार सारे पार्टी कर रहे, सारे घूमने गए हुए हैं, सबकी बीवियां उनको प्यार करती हैं, मैं ही बेवकूफ हूं घर बैठा हूं. एक मेरा फ्रेंड, उसकी 16th मैरिज एनिवर्सरी, उसने फेसबुक पे डाला हुआ, डियर वाइफ यू आर माई रॉक ऑफ जिब्राल्टर, आई डोंट नो वेयर आई वुड हैव बीन विदाउट यू, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ऑलवेज, यू ऑलवेज बीन देयर. एंड आई एम थिंकिंग, 3 दिन पहले शराब पी के तू ही साले रो रहा था मेरे सामने. और प्रॉब्लम क्या है, वो मेरी वाइफ के साथ भी फेसबुक पे कनेक्टेड है, और 2 महीने बाद मेरी मैरिज एनिवर्सरी है. और मुझे पता है जिस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी होगी 12:01 पे मेरी वाइफ होगी फेसबुक पे, चाल चलो ठाकुर. क्या मिला तुझे? बट लाइफ एंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया है, लाइफ एंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया. तो आजकल क्या, घूमने जाना पड़ता है. जब हम छोटे होते थे राइट, घूमने जाना पड़ता है फेसबुक के चक्कर में. हम गर्मी की छुट्टियों में जाते थे नानी के घर, हर साल नानी के घर जाना, 10 साल वापिस आके ऐसे लिखना होता था कहां घूमने गए, 10 साल करनाल लिखा मैंने. लाइफ वॉज ईजी. आजकल क्या है, ये फेसबुक के चक्कर में जाना पड़ता है घूमने. और तुम कहीं भी चले जाओ लोग जीने नहीं देते तब भी तुमको, क्योंकि तुम शिमला जाओ कोई ना कोई गोवा की फोटो डाल देता, आदमी गोवा जाता है कोई ना कोई सिंगापुर की फोटो डाल देता, तुम सिंगापुर चले जाओ कोई यूएस की फोटो डाल रहा. मैं इसी चक्कर में यूएस नहीं जा रहा, मैं जिस दिन यूएस चला गया मुझे लगता है कोई ना कोई मेरा दोस्त साला चंद्रमा की फोटो डाल देगा. और फिर क्या, चलो कुछ लोगों के पास पैसे हैं वो बन सकते हैं टूरिस्ट, वो घूम सकते हैं. फिर कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है पर वो खुश दिखना चाहते हैं, वो बनते हैं एक्सप्लोरर. एक्सप्लोरर वो होते हैं जिनका स्टेटस अपडेट आता है फेसबुक पे, 10 किलोमीटर्स बिफोर शिमला दिस दिस लवली कच्चा रोड विच गोज टू दिस ऑसम विलेज कॉल्ड खामखा Which is in the middle of nowhere. Middle of nowhere का मतलब है वहां बिजली नहीं आती, और तेरे को 250 रुपए में कमरा मिल गया था. फिर होते हैं मैराथन रनर्स. एनी मैराथन रनर्स इन द रूम? ये मैराथन रनर, तू एक बात बता मेरे को, तो सुबह 6 बजे जंगल में भाग रहा है, तुम्हारी ये वाली फोटो कौन लेता है रोज? रोज नहीं डली हुई होती है यार. फिर होते हैं फूड फ्रीक्स. फूड फ्रीक्स वो होते हैं जो खाने की फोटो डालते हैं, राइट? खाने की फोटो डालते हैं. और मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं वेट लूज करने की कोशिश कर रहा हूं पिछले 10 साल से, और वेट लूज करने का एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल होता है कि शाम को 7:30 के बाद मत खाओ, राइट? जो हां कह रहे हैं उन्होंने अपने आप को देखा. प्रॉब्लम क्या है, हम सबको पता है पर करता कोई कुछ नहीं. लाइक जनरल मोटर्स की डाइट का प्रिंटआउट भी लेके आता है, फिर देखते हैं 3 फ्रूट इस मौसम में मिलेंगे ही नहीं. हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं. इवन व्हेन वी गेट ऑन द वेइंग स्केल वी आर लाइक 4 किलो तो कपड़ों का होगा, कल से पॉटी भी नहीं आई वैसे. अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं.
But the thing is, शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना. तो आदमी 7 बजे डिनर कर लेता, 8 बजते, 9 बजते, 10 बजते, 11 बजे आदमी सोने लगता है. 11:15, 11 बजे लास्ट टाइम बेड पे बैठ के आदमी फेसबुक पे मत्था टेकता है. एक बार तो चेक करते हैं ना कि मेरे से ज्यादा कोई खुश तो नहीं है. और तब निकलती है इन फेसबुक ये फूड फ्रीक्स की फोटोग्राफ्स. उन्होंने फोटो डाली होगी बिट्टू टिक्की वाला की टिक्की है, एकदम धुआं निकल रहा है, दही डली हुई है, चटनी डली हुई है, नो ऊपर अनार के दाने भी हैं, छोले भटूरे एकदम फूले हुए, एकदम करारे, चिक्कड़ चने साथ में और चटनी वाले प्याज. सुन के भूख लग रही है ना. तुम सोचो जो आदमी 4 घंटे से भूखा हो उसका फोटो देख के क्या हाल होगा. इन कमीनों के चक्कर में आदमी रात को 12 बजे उठ के मैगी बना के खा रहा होता है.